नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक शेर समाचार से। आजकल कुछ ऐसी खबरें करने को मिल रही हैं कि हम भी जब ये बात सुनते हैं तो कभी कभी हम चिंतित हो जाते हैं कि आखिर क्या हो गया है इंसानों को। एक पक्षी आज भी जो है वो यहाँ पे फंसा हुआ है, और ये एरिया मैं आपको बताऊँ, सरवाल अस्पताल का एरिया है। ये पेड़ जो है वो वहीं पर सरवाल अस्पताल के एरिया में ही लगा हुआ है, और उसके टॉप पे एक छोटा सा जीव जो है वो फंस गया है। और कई लोग ऐसी भी बातें करते हैं कि जीव है, पक्षी है, हमको क्या करना है, मरने दो। इस तरह की बातें जब हम सुनते हैं तो हम लाचार बेबस हो जाते हैं कि हम सोचते हैं हम कौन से समाज में हैं। इन सभी लोगों को जब तक तकलीफ नहीं होगी तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि जीव की तकलीफ और आप, क्योंकि आप भी एक जीव ही हैं, सेम उनकी तरह ही आप अपने लोगों की बातें सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपकी वाणी ये वाली है। वो अपने लोगों की बातें सुन पा रहे हैं, वो अपने पक्षियों की बातें समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी वाणी वो है। अब आप यहाँ से फॉरेन में चले जाएंगे या कोई ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ पर लोगों की जो बोली है वो कोई और लैंग्वेज हो, आपको समझ नहीं आए, तो आप क्या बोलेंगे, हम नहीं सुन रहे इनकी। तो ये जो मानसिकता है ये जब तक ठीक नहीं होगी तब तक ये समाज सही दिशा में नहीं आ सकता। वाइल्ड लाइफ वालों का कार्य था कि वो इस कार्य को जल्द से जल्द करते, क्योंकि ये जीव दो दिन से फंसा हुआ है यहाँ ऊपर। बहुत छोटा सा जीव है, अभी वो थक हार के लटक गया नीचे। जरा अरुण दिख रहा है? दिख नहीं रहा है, लेकिन वो जीव जो है यहाँ पर फंसा हुआ है। और ये वाइल्ड लाइफ वाले बोलते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा काम है और हमें सांप पकड़ने हैं, हमारे पास बहुत सारी कंप्लेने हैं, सांप पकड़ने हैं और ना जाने क्या क्या पकड़ना है, लेकिन ये जीव जो है यहाँ पे फंसा। लेकिन उन्होंने एक बात ये ज़रूर कही कि यहाँ पर ये जो वायरिंग है, यहाँ पर ये जो बिजली के खंभे ट्रांसफार्मर लगे हैं, इसकी वजह से ऊपर चढ़ना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर करंट शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये एक परेशानी है, लेकिन लोग यहाँ पर चिंतित हैं। इस तरफ देखेंगे तो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं, और ये लोग तो कह रहे थे कि हम वाइल्ड लाइफ वालों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये वाइल्ड लाइफ वालों के ख़िलाफ़ हमने कहा कि प्रदर्शन आप ना करें, आ जाएंगे ये लोग, क्योंकि कल भी आए थे, कल भी हमने खबर की थी तो आ गए थे ये लोग, लेकिन ये देखें। अच्छा सर, आप कब से यहाँ पर हैं? कल है, कल दिया सर, कल से, कल से, कल से। अच्छा कल से ही हैं, कल से ही फंसी है यहाँ पे। ये आप कल से ही देख रहे हैं? हाँ जी सर, कल 2 बजे से। देखो ये फंसी किसके साथ ऊपर? आप पता नहीं गट्टू के मांझा, कौन सा मांझा लगा हुआ है उसके साथ अटकी हुई है ये। बस ऐसे फड़फड़ाई हम लोगों ने ऐसे देखा तो गिटारी का पंछी भी काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, काँ वगैरह, मगर उनसे नहीं छूट रही है। तो अभी मॉर्निंग में फिर हमने कॉर्पोरेटर को फ़ोन किया, यहाँ का जो जीता हुआ है वो कह रहा, कोई कह रहा मर गई है। अच्छा। हम गए थे पता करने, कोई कह रहा मर गई, मरी नहीं थी, ये जिंदी थी। अभी हमने फिर से देखा कोई 12 बजे तो फिर से उड़ने लगी, अभी कोई नहीं आ रहा, कोई हेल्प नहीं, अंदर से भी एक लड़का आया वो ऊपर चढ़ा, कह रहा वो भी हाथ खड़े कर, कह रहा मैं नहीं चढ़ सकता, मैं काफी हमें लग रहा है कि काफी टॉप पे है वो, ऊपर काफी टॉप पे है वो। अच्छा, कल से फंसी है वो, कल ऐसे ही उसमें भी जाना है, बचने तो जाइए वो भी। नहीं, हमें, हमने बहुत सारे लोगों की बात सुनी है, वो ये कहते हैं कि वो तो पक्षी, हमको क्या करना है। नहीं मारे, तभी तो हमारा जम्मू इसी तरीके से तो बच रहा है। ये जो मानसिकता है लोगों की कि ये पक्षी है, वो ये है, वो वाला, हम क्या करें। नहीं 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 मारे, नहीं ऐसा नहीं, जैसे उसमें हमारे में जान है तो इसी उसमें भी जान है, आप तक बात पहुंचे तभी हम लोग तो खुश हो रहे हैं कि अभी इसकी जान बच जाएगी। वैसे हमें पता है कि ये मर गई है, मगर जब बाहर आ रही तब पता लग रहा है कि ये जिंदी है। सभी को फोन किया सर, कोई आगे नहीं आ रहा था, सीधी बात है, सभी को फोन किया, सभी को फोन किया। वो जो अंकल है वो शनी से आए हैं यहाँ पे हमारी हेल्प करने के लिए, शनी से स्पेशल आए हैं वो हमारी। ये सोमनाथ जी देखे, ये भी आ गए। अच्छा, आप जानीपुर से आए हैं? हाँ, वहाँ भी मैसेज मिला है, यहाँ पे एक पक्षी है, बेजुबान है, वो चेहरा फंसा हुआ है, 27 घंटे से फंसा हुआ है, 27 घंटे। मैंने यहाँ पे जब पहुँचा यहाँ पे तो मैंने फिर एसटीपीओ साहब को फ़ोन किया, राहुल जी नागर जी हैं, उन्होंने फिर यहाँ पर गाड़ी भेजी अपनी, ये गाड़ी वाले जब भेजी तो हमने इनसे बात की पीसमैन से, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हाई टेंशन तार है। अब तार हाई टेंशन, अब जेई साहब को बुलाया गया है, लाइट बंद करेंगे और ये पूरा प्रोसेस होगा यहाँ पे, क्योंकि ये दरख्त है यहाँ पे, इन लोगों ने, लोकल लोगों ने बड़ी कोशिश की है, कल से बहुत कोशिश की उन्होंने उतारने की, ये उतार नहीं पाए हैं। कुछ लोग कह रहे थे यहाँ पे मर गई है, कोई कह रहे हैं जिंदा है, पर अभी हमने देखा है कुछ 4-5 बार हमने ये देखा है, यहाँ पे सीन देखे हैं, ये जिंदा है, ये कोशिश कर रही है अपने आप को बचाने के लिए, नहीं बच पाई है। कारपोरेटर को मैसेज दिया, किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे,
यहाँ पे कोई किसी की बात ही नहीं पूछता है। स्मार्ट सिटी क्या बनाएंगे यहाँ पे, खास फोन उठाते हैं लोग ये जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपको, अभी इन्होंने फोन किया था जो देखिए आप सामने देख ली, वो बेचारी कैसे चढ़ रही है, बेजुबान चीज है, ये लाइव है, ये लाइव है। और वर्ल्ड जो वर्ल्ड डिपार्टमेंट वाले उनको भी बुलाया गया, उन्होंने यहाँ पे आया फिर देखा चले गए। वो कह रहे हैं हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं ऐसे जिसे हम इसको उतार सकें। अगर ये स्मार्ट सिटी है तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो फायदा क्या स्मार्ट सिटी का, इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, इंस्ट्रूमेंट इनके पास ही नहीं है। इनके पास सीढ़ी होनी चाहिए, इनके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए, जेई साहब को बोलते बिजली बंद करते, लाइन को ऑफ करते और जाते। ये सिर्फ ऑनली 20 या 25 मिनट का ये काम था, उनका फर्क था, और यह 27 घंटे हो गए हैं। अगर एक पक्षी है बेजुबान उसके साथ ये हाल हो रहा है, आम जनता के साथ क्या हाल होगा? आम जनता का भी यही हाल है, वो भी रो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग भाई यही। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है, अब थोड़ा सुधार होगा जी, जब लोगों को अवेयरनेस होगी, लोगों को पता चलेगा गवर्नमेंट क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या होती है, यूटी क्या होती है और स्टेट क्या होती है, फिर लोगों को पता चले, फिर काम होते हैं। लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई, ये 300 तो टूटा, बड़ी खुशी मनाई लोगों ने, आज लोगों को पता चल गया कोई नहीं सुनता है, ब्यूरोक्रेट किसी की बात सुनते ही नहीं है। जब देखते हैं कि मीडिया आई है, मीडिया हमारा एक ऐसा पिलर है समाज का, जब मीडिया आती है फिर ये लोग बाकी आते हैं, फिर देखते हैं क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, फिर सभी लोग आते हैं, फिर पूछते हैं, फिर अपना पूरा दिखाते हैं, अपना बल दिखाते हैं, अपना बल प्रयोग करते हैं। देखिए आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि आप लाइव दिखा रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ा एक समाज में इतना बड़ा काम है और आप हमारे समाज के पिलर हो, हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। आपके माध्यम से ही हम लोग जीवित हैं, वरना आज लोग कई प्रकार से चारे बीमारियों से दूर से दुखी से जूझ रहे हैं, कोई किसी की सुध नहीं ले रहा है ना, ये सुन लेती है। ये पुलिसकर्मी क्या बोल रहे थे आपको? ये पुलिसकर्मी कह रहे थे कि हमें अभी फोन आया है तो हमें एसडीओ साहब ने भेजा है, आपने हमें फोन क्यों नहीं किया? शायद हमने फोन किया होगा इनको, पर शायद इन्होंने उठाया नहीं होगा, उठाया होगा तो इजी ले लिया होगा, उन्होंने सोचा कि पक्षी है कोई बात नहीं निकल जाएगा, टाइम पास कर निकाल होगा कोई बात नहीं, पर नहीं, डीएसपी साहब ने इनको भेजा है, शायद अभी कुछ होगा, अभी इनिशिएटिव लेंगे ये, शायद उस 27 की जान बच जाएगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आपका भी और जनता का भी, जिन लोगों ने इसको बचाने का पूरा प्रयास किया। जय हिंद जय भारत जी। तो ये देखें ये लोग चिंतित हैं, कुछ और लोग भी चिंतित हैं, हम भी चिंतित हैं, और ऐसी मानसिकता ना जाने क्यों लोगों ने बता रखी है। मैं सभी को बता दूं कि हमारे समाज के अंदर किसी छोटे से कण को भी तकलीफ होती तो उसकी तकलीफ हमें होनी चाहिए, जब तक वो पेन हमें नहीं होगी तो हम समझें कि हम डैडी हैं यहाँ पर, हमारे अंदर जान नहीं है, क्योंकि वो तकलीफ जिस जीव को हो रही हो सकता कल आपको भी हो, फिर आप भी फंसें, फिर आपको भी छुड़ाने के लिए कोई नहीं आए, कोई फ़ोन ना उठाए तो फिर आप रोएंगे, फिर आपको समझ आएगी कि कितनी बड़ी गलती है आपकी। ये इस तरह की मानसिकता जो है वो थोड़ा सा गलत है, लेकिन वो छोटा सा जीव, अरुण दिखाओ, वो छोटा सा जीव जो है कुछ देर के लिए बाहर आया था, लेकिन वो थक जाता है और बाहर निकलने की प्रयत्न करता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि वो ये डोरे जो हैं, गट्टू जो है वो ना जाने कौन सा गट्टू यूज़ कर रहे हैं आजकल लोग, और ये जगह 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 ये धागे जो हैं वो फंसे हुए हैं जिसमें पक्षी फंस जाते हैं। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा कि इस तरह के हम डोरे यूज़ करें पतंग उड़ाने में, जिससे किसी को नुकसान नहीं हो। लेकिन ये सोमनाथ डबगोत्रा जी जो हैं वो भी यहाँ पर हैं और इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन मैं एक और बात कहूँ, सुबह हमें सुबह बताया गया, उसके बाद दोपहर को हमने कहा वाइल्ड लाइफ वालों को फ़ोन करो, कोई बात नहीं है, खबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पक्षी जो है यहाँ से निकाल दिया जाएगा। हाँ, क्यों खबर करनी है, क्यों ऐसे ही हम शोर डालें, लेकिन ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, और थक हार के हमको आना ही पड़ा। अच्छा सोमनाथ जी, ये आपको कब पता चला? हमें सुबह पता चला, और पता कैसे चला, क्यों चला, ये भी मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। कल मैं कहने में परहेज नहीं करता हूँ, मैं सबको एक बराबर समझता हूँ, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, कोई भी हो, हमने नहीं देखना कि इसकी TRP कितनी है, ये सेलिब्रिटी कितने बढ़ने जा रहे हैं या इनके कितने कमेंट्स आते हैं, हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे को ना सेलिब्रिटी बनना है, ना मेरे को कमेंट्स देखने हैं, ठीक है, ना मेरे को व्यूज़ देखने हैं। मेरे को जैसे हम हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पे अनअटेंडेंट जिसकी डेथ हो जाती थी, उससे पहले भी हम उन लोगों की सेवा करते थे,
लेकिन जब डेथ हो जाती थी जिनका अंतिम संस्कार करने के लिए सरकार भी चाहे वो पुलिस प्रशासन हो चाहे हॉस्पिटल प्रशासन है हाथ खड़े कर देता था, तभी सोमनाथ डबगोत्रा आगे आता था, बाकी लोग भी आते थे, शीतल सिंह जी आते थे, एक हमारे तरुण जी हैं वो आते थे, और कई ऐसी संस्था है, एक राहिल जी हैं हमारे, ये चार पांच हमारी संस्था है जो सोशल वर्क करते हैं, हम सब मिल के तो उसका अंतिम संस्कार भी करवाते थे अपने करते थे, वो शायद हॉस्पिटल प्रशासन को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब ये बात क्यों कहना जरूरी समझ रहा हूँ कि ये जो परिंदा ऊपर फंसा हुआ है ना, इसमें जान है, ठीक है, और बेजुबान है, बेजुबान है। अब हम ये नहीं करेंगे कि अगर ऊपर इसकी डेथ हो गई है, मर गया है ये परिंदा, तो हम वापस चले जाएंगे, कि हम हर हालत में चाहे हमें कितने दिन जहाँ पे खड़ा रहना पड़े, अगर नहीं कोई वाइल्ड लाइफ वाले रेस्क्यू करते हैं इसको, जहाँ फायर ब्रिगेड वाले करते हैं या प्रशासन करता है, अपने लेवल पे हम इसको रेस्क्यू जरूर करवाएंगे और आपको भी बुलाएंगे। हम इसको मुर्दा भी ऊपर नहीं रहने देंगे, हम इसको कोशिश करेंगे जिंदा उतारने की। अगर इसकी सांस कम हुई, ऊपर वाले ने इसको जिंदा नहीं बचाया, हमारी पूरी कोशिश होगी, लेकिन फिर भी जब इसकी अगर डेथ भी हो जाती है तो इसका पूरे रीति रिवाज के साथ इसको एक पवित्र जगह पे लेके, शायद शिशु समाधि पे हम लेके वहाँ पे खड्डा खोद देंगे, वहाँ पे हवन पूजन जो भी होता है थोड़ा बहुत, इसको भी कफन तक हम डाल के इसका अंतिम संस्कार हम करवाएंगे, चाहे ये बेजुबान परिंदा है। और ये मेरे को एक एक्सपीरियंस मिला है, जैसे कल भी हमने एक ईगल महेशपुरा गली से सबसे पहले आपने ही लाइव किया था, उसके बाद ये हरकत में आया था प्रशासन, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू बैंड भी आई थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई थी, लेकिन लाइव चलने के बाद क्यों, मीडिया में लाइव चलने के बाद क्यों? अभी भी हमने सुना यहाँ कह रहे मीडिया किसने बुलाया जी, मीडिया हाँ, आते ही इनका यही रिएक्शन था कि पहले ये बताओ कि मीडिया को किसने बुलाया है। तो मीडिया 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 के साथ क्या है, मीडिया कोई पाकिस्तान से थोड़ी इधर बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे, तो ये तो अपने लोग हैं, ये लोगों की आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो जुबान वाले लोग हों चाहे बेजुबान परिंदे हों, ये आवाज़ उठाते हैं। नहीं, हमने पहले ही कहा कि हम सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं, हमें रिपोर्टिंग हो रही है कि ऐसे ऐसे पक्षी फंस गया, हमने कहा चलो निकाल लेंगे, वाइल्ड लाइफ वाले थोड़ा बिजी होंगे, अब आएंगे तब आएंगे, ये नहीं आए। अब भी ये बोल रहे हैं कि हम थोड़ा सा हम सांप पकड़ रहे हैं, हमें ना जाने कौन सी कंप्लेन है, सांप पकड़ रहे हैं वहाँ, ये कर रहे हैं, हमें वहाँ वाली कंप्लेन है, ये वाली कंप्लेन है, बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। और हमने फायर ब्रिगेड वालों को बोला था, वो कह रहे हैं जी हमारी गाड़ी ख़राब है, फायर ब्रिगेड वालों की गाड़ी ख़राब है, इनके पास एक ही गाड़ी है, हमें समझ नहीं आ रही। अब पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बात नहीं, हमने फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया, उनका फ़ोन नहीं लगा और वो बंद था, लेकिन अब ये थोड़े बहुत हलचल हो रही है यहाँ पर, लगता है आएंगे, लेकिन आया कोई फोन कह रहे हैं, थोड़ी बहुत हलचल हुई है ना, वो जहाँ पे SDPO हैं राहुल नागर जी, ठीक है, उनको हमने कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने अपनी पुलिस चौकी वालों को तुरंत बिना समय गवाए जहाँ पे भेज दिया है, और वहाँ पे फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ी भी आ चुकी है, इनके उसमें बैठ के दो चार सिपाही लोग भी आ गए हैं और ये प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं। अब शायद इन्होंने JEE से कांटेक्ट करके इसकी पावर शट डाउन लेना है, ताकि किसी के जान मान को माल को नुकसान ना हो, और बड़े सेफली इसको नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है। अब इस प्रोसेस में जितना टाइम लगेगा ये नहीं पता हमें, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, क्योंकि ये जो वाइल्ड लाइफ हैं जहाँ फायर वाले हैं, ये इनको बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, इनको कभी महीने दो महीने के बाद दो दिन के बाद कोई छोटा सा परिंदा उतारने के लिए बोला जाओ तो इनकी जान निकल जाती है कि अब हमें जाना पड़ेगा। ये लोग शायद फ्री में तनख्वाह लेने के लिए सुस्ती पड़ गई है इनसे काम करो। अब ये मीडिया के लोग जो हैं वो इनको सुस्ती नहीं रहने देंगे, इनको चुस्त करेंगे, और बाई हुक और क्रुक जहाँ पे बुलाया जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ आपको सामने, क्यों मैं कह रहा हूँ ना, जो सजा देनी है इनको दो, हम बेजुबान वाले लोगों के साथ भी हैं, बेजुबान वालों के साथ भी हैं। सजा किस बात की, ये कोई गलत काम है ये? नहीं नहीं, इनको जो AC कमरे में बैठते हैं ना, क्या वीडियो देखते होंगे मोबाइल में लगे होते रहते होंगे, जब इनको कॉल आएगी तो इनको वहाँ पे आना पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि फायर ब्रिगेड वाले कहते हैं कि हमारे पास एक ही गाड़ी है, ये फिर कौन सी ड्यूटी हो गई, कौन सी स्मार्ट सिटी हो गई कि आपके पास दो दिन से वाइल्ड लाइफ वाली टीम जहाँ पे नहीं पहुँचती है, और फायर ब्रिगेड वाले कहते हैं हमारे पास गाड़ी खराब है, क्या इनके पास एक ही गाड़ी है? फायर ब्रिगेड वाले नहीं कह रहे, उनका तो नंबर नहीं लगा, वो वाइल्ड लाइफ वाले बोल रहे हैं कि इनको फोन किया था, वो कह रहे हैं हमारी गाड़ी खराब है जी। ये एक का काम दूसरे पे डालते हैं, दूसरे काम
तीसरे पे डालते हैं, लेकिन कल हमने देखा जे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वालों का भी काम है और फायर ब्रिगेड वालों का काम है। अगर काम नहीं होता कल महेशपुरा गली में जो ईगल आपने रेस्क्यू कराई है वहाँ पे फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आती या वाइल्ड लाइफ वाली रेस्क्यू वैन नहीं आती। इसका मतलब ये है कि ये दोनों का काम है और पुलिस प्रशासन का भी काम है, आम लोगों का भी काम है। और ये हॉस्पिटल सरवाल के सामने हम खड़े हैं ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ के जो सुप्रिंटेंडेंट है ये उसका भी काम है कि कल से सात अभी 28 घंटे हो गए इस परिंदे को वहाँ पे फंसे हुए, क्या सुप्रिंटेंडेंट का काम नहीं है कि मेरे हॉस्पिटल के अंदर उनको किसी के पास उनको बताया गया है। अच्छा, उनको भी बताया गया, हर एक को पता है। अगर वो क्या कह रहे हैं, अगर आप उधर से 10 किलोमीटर चल के जहाँ पे पहुँच गए, हम भी 15 किलोमीटर चल के पहुँच गए, क्या इनको पता नहीं है क्या ये लोग मीडिया को नहीं देख रहे हैं, जब पब्लिक जो इकट्ठी हुई इनको नहीं देख रहे, हर एक को पता होता है, लेकिन ये कान में ना उंगली डाल देते हैं, आंखों में हाथ रख देते हैं, मुंह में ऐसे उंगली डाल देते हैं। नहीं, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, आपको अस्पताल में बैन करने से इनको पब्लिक में अभी इनको कोई और परेशानी नहीं हो रही? हाँ, इनको हम अगर घर में भी सोए होंगे ना, इनको हम वहाँ पे भी परेशान हुआ करेंगे। जे जब सो जाते हैं ना, ये लोग सो जाते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट हो या बाकी लोग हों, ठीक है, इनको सपने में भी, इनको शायद मेरा नाम नहीं पता है, लेकिन इनको ये पता है सफेद पजामे कुर्ते वाला, बस उसको अंदर कर दो, उसकी गाड़ी सीज कर दो, उसको पकड़ लो, बस ये कहते हैं। लेकिन आज दो दिन से जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं ये किया ना कि जिंदा वर्सेस मुर्दा, ठीक है, इंसान वर्सेस जानवर या परिंदे, ठीक है। अब वहाँ पे हम किसी की हेल्प करते थे, हमें 10 तरीके से परेशानियाँ होती थी, क्योंकि वो लोग बोलने वाले थे, उनकी जुबान थी, इससे बेहतर है कि हम जो बेजुबान परिंदे हैं उनकी हेल्प करें, क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ़ कोई पर्चा नहीं देना है, ना ही किसी को कहना कि इनके खिलाफ पर्चा दे दो। ये मतलब आज मेरे को समझ आया कि जुबान वाले लोगों से बेजुबान जो परिंदे हैं वो अच्छे हैं। तो ये जो पब्लिक का पैसा खा रहे हैं कुर्सियों के ऊपर, जिस काम के लिए बैठे हुए हैं उसका दुरुपयोग करते रहेंगे, लोगों की बात को दबाते रहेंगे, ऐसा करेंगे लोग? हाँ, जो इनको पूछेगा क्या, सबसे बड़ा क्राइम जो है, जो हमने देखा कि मीडिया को बुलाना और वीडियो बनवाना, क्या ये सबसे बड़ा क्राइम है, सच बोलना। और मैं अंत में ये कहूँगा कि गलत है ना उसका विरोध जरूर करना है, गलत। ये कहाँ जा रहे हैं, ये निकाल रहे हैं? नहीं, ये मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं ना, कि फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुँची जहाँ पे, वाइल्ड लाइफ वाली नहीं पहुँची, गलत हो रहा है ना। हम ये कहते हैं कि गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, ठीक है। इतिहास विरोध करने वालों पर ही लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पर नहीं। ये जो लोग तलवे चाट रहे हैं इनको हम बताएंगे कि आप सारी उम्र लोगों के तलवे ही चाटते रहो, ये कुछ देर के लिए नष्ट हो जाएंगे। ये नष्ट भगवान करेगा ना, इनको भगवान करे, जो कोरोना बार बार आ रहा है, फेज 1 फेज 2 फेज 3, वी डिजर्व कोरोना, जो हमारे हाल है ना, हम डिजर्व करते हैं कि कोरोना आए और बार बार आए और हमें सबक सिखाए कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, आपको लोगों की हेल्प करनी है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। फिर मैं यही कहूँगा आप पे कि जुबान वाले लोगों से ये बेजुबान वाले परिंदे बहुत अच्छे लगे मेरे को। ये देखें यहाँ पर परेशानी कितनी ज़्यादा है, और ये छोटा एक पक्षी जो है वो वहाँ पर फंसा हुआ है, पिछले 27 घंटों से फंसा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं, फ़ोन करो आ रहे हैं, इनको लगता है कि कोई बात नहीं, फंसा है तो निकल जाएगा, हो रहा है, इस तरह की मानसिकता को हमें लगता है इसे त्यागना चाहिए। जिस विभाग का जो कार्य है वो ठीक से करे, अगर नहीं करे, अगर आपको विभाग के अंदर कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं, अपनी दादागिरी कर रही हैं, अगर आपको कुर्सियों के नशे हो गए हैं, तो इनको हम कहेंगे अपनी सरकार से कि इनको घर भेजें, इनको रेस्ट दें, क्योंकि ये रेस्ट के लायक हैं, योगा वोगा करवाएं इनको, ये नहीं सुधरने वाले हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता वैसी बन गई है। समाज से भी जो गलत चीज़ को दिखा रहे हैं कि ये गलत है, इसको ठीक करो, और ज़रूरी नहीं है कि खबर करके ठीक होता, फ़ोन करके कह देंगे इसको ठीक करो, लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं है, फिर थक हार के मीडिया को सामने आना पड़ता है, हमको बुलाते हैं लोग, लेकिन ये छोटा पक्ष कब निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और यहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये सारी लाइट अब बंद कर दी जाएगी, और उसके बाद
रेस्क्यू किया जाएगा उस छोटे पक्षी को, और तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या इस पक्षी को निकाला जाता है, और निकाला जाता है तो अब कैसे निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ अगर आप हलचल देखें इस तरफ, अरुण पीछे दिखाओ, यहाँ की हलचल देखें तो ये सारे लोग जहाँ पे एकत्रित हैं और ये सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पक्षी को निकाला जाए। बाकी आप देख रहे हैं दैनिक शहर समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त, नमस्कार।